I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. यूसुफ रजा जिलानी साहब, हमें ये बताएं या पीपल्स पार्टी के और दोस्त कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए? हमारा एक अलग एंटिटी है और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह, हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो मैं, ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफा मुस्तरद किया जाए। उन्होंने अपोजिशन को हर लिहाज से साथ लेके चलते हैं। सेनेट में आज जवाबदही का दिन, यूसुफ रजा गिलानी ने गैर हाजिरी पर कयादत को इस्तीफा दे दिया। दिलावर खान बोले, कभी ऑपोजिशन लीडर के डिसिप्लिन में नहीं रहे। सादिया अब्बासी ने कहा, जो हुआ इसके जिम्मेदार हम सब हैं। सादिक संजरानी कहते हैं, अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्जाम चेयर को देते हैं। But I'm astonished by the silence of my politicians. तानो तशनी से तंग यूसुफ रजा गिलानी फट पड़े, बोले जिन लोटे वुजरा की कोई साख नहीं वो तनकीद कर रहे हैं। मुखालफीन के तंज पर नहीं अपनों की खामोशी पर हैरान हूँ। धांधली हुई, क्रेडिट चेयरमैन सेनेट को जाता है। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब, हमें ये बताएं या पीपल्स पार्टी के और दोस्त कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए? हमारा एक अलग एंटिटी है और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह, हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने बुलाया लेकिन वो अपनी चैम्बर में नहीं थे। वजीर खजाना शौकत अली ने मुलाकात करके बिल की हिमायत का कहा। दिलावर खान ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की वजह भी बता दी। आजम नजीर तारड़ को जानते नहीं थे इसलिए गिलानी को वोट दिया। हमने कहा था पीर साबे शाह को अपोजिशन लीडर बनाएंगे तो वोट देंगे। इस बिल को पास करके दरअसल पीटीआई ने कहा है कि गुलाम है, गुलाम है। पीटीआई अमेरिका का गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। पीटीआई आईएमएफ का गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। पीटीआई एफएटीएफ का गुलाम है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने हुकूमत पर पाकिस्तान फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं हुकूमत ने कौम से गद्दारी की, कायदे आजम के बैंक को फरोख्त कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक वॉयसराय और आईएमएफ ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। हुकूमत अमेरिका आईएमएफ और एफएटीएफ की गुलाम है। इमरान खान ने खतरनाक होने की धमकी फौज और अदलिया को दी। इमरान खान बताए वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होगा, क्या बाहर आकर आवाम को मजीद कंगला करेगा। मौलाना फजल रहमान के वजीर आजम पर मुसलसल वार, कहा 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से आवाम इस्लामाबाद में होंगे। पीपल्स पार्टी के पीडीएम के एहतजाज में शिरकत पर कोई एतराज नहीं। अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो है ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। ऑपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की बातें भी छोड़ देनी चाहिए। धरने या लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो, मौसम की फिक्र ना करें, 23 मार्च वाले भी शौक से आए। हुकूमत का वैसे ही 1.5 साल रह गया है। कर्जों में जकड़ा पाकिस्तान, हुकूमत का चीन, रूस और काजिकिस्तान से 5 अरब डॉलर्स कर्ज लेने पर गौर। चीन से 3 अरब डॉलर्स का माहदा वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में मुतवक्के। तर्जमान वजारत खजाना का कहना है कर्ज की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मौखिर कर दी। कीमतें बरकरार रखने का फैसला, वजारत खजाना को नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। अवाम एक और हुकूमती तोहफे के लिए तैयार हो जाएं, बिजली 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। 30 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की दरख्वास्त, नेपरा कल समाप्त करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी मजाक बन गई। कराची के स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, आटा, चीनी, तेल, घी की खरीदारी के लिए आने वाले ख्वार हो गए। हुकूमत स्टोर्स नहीं चला सकती तो बंद कर दे, शहरी फट पड़े। फेडरल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है
उसमें हम नहीं समझते कि वो कोई सीरियस है कि इंडस्ट्री कराची की चले या ना चले। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और 68 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम 8 घंटे रात को फैक्ट्री चलाते हैं, 16 घंटे बंद होती है। वजीर आजम नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हमाद साहब को लेना चाहिए नोटिस, यही जिम्मेदार लोग हैं और कौन है, तीसरा तो कोई आदमी नहीं है। गैस बहरान के खिलाफ जंग का ऐलान, कराची के सनअतकारों का 48 घंटे का अल्टीमेटम। जुबैर मोतीवाला ने सुई सदरन हेड ऑफिस का घेराव करने की धमकी दे दी। कहते हैं वजीर आजम और हमाद अजहर गैस बहरान के जिम्मेदार हैं, सीटों पर काम करने वाले काबिल होने चाहिए, पैराशूट के जरिए आने वाले इदारे नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। मंसूबा कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। रूडा ने जितनी जमीन का मुआवजा अदा कर दिया है उस पर काम जारी रखे, अदालत का हुक्म। केस की तैयारी ना करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आप लोगों को यही इल्म नहीं कि केस है क्या, ठोस बात करें, अदालत में गलत बयानी ना करें। वसीम अकरम प्लस का एक और एजाज, वजीर और मुशीर बनाने में शहबाज शरीफ से आगे निकल गए। उस्मान बुज़दार की काबीना की कुल तादाद 47 हो गई, 5 मुशीर और 5 स्पेशल असिस्टेंट शामिल। शहबाज शरीफ के वजीरों और मुशीरों की तादाद 44 थी। कोरोना वायरस सुनामी की तरह फैलने लगा, मुल्क में मजीद 7,000 मरीज आ गए। शरह 12% पर बरकरार, 24 घंटों में वायरस 21 जिंदगियां निकल गया। पेशावर में शरह सबसे ज्यादा 35% रिकॉर्ड, मर्दान और मुजफ्फराबाद में 34, नौशहरा में 24 और कराची में 21% रही। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज बढ़ने लगे। परवेज मुशरफ के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर तहकीकात क्यों ना की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहम नैब को तौहीन अदालत के केस में नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब, अदालती हुक्म था कि नैब कार्रवाई कर सकता है, दरख्वास्त गुजार का मौके। सच की फतह, कलम की ताकत जीत गई। मीर शकीलुर रहमान पर प्लॉटों की अलॉटमेंट का केस झूठा साबित। एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान समेत तमाम मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया। साबिक DG LGA हमायूं फैज रसूल, मियां बशीर को भी इंसाफ मिल गया। हौसी बाकियों का मुतहद अरब अमारात पर एक और मिज़ाइल हमला नाकाम, बैलिस्टिक मिज़ाइल फ़जा में ही तबाह। अरब इतिहाद के हौसियों के ठिकानों पर 25 टारगेटेड हमले, 11 फौजी गाड़ियां और 80 से ज्यादा बाकियों को हलाक करने का दावा कर दिया। PSL 7 का दूसरा मरहला, लाहौर मेजबानी के लिए तैयार। कजाफी स्टेडियम फिर से जगमगाएगा, होगी चौकों और छक्कों की बरसात। शायकीन क्रिकेट की बेताबी बढ़ने लगी, टीमों की आमद से कबल सिक्योरिटी के इंतजाम, मजीद CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सदा बहार धुनों के खालिक मास्टर अब्दुल्ला की 28वीं बरसी। मौसिकार अब्दुल्ला ने शरीफ, बदमाशी, मलंगी, दुनिया पैसे दी, सूरजमुखी समेत कई हिट फिल्मों की मौसी की तरतीब दी। गीतों का सहर आज भी दिलों पर बरकरार।